कराची से जहां पुलिस ने दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सानेह 12 मई में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मुलजिमान को तफ्तीश की गर्ज से नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। जानते हैं दारियाल सैयद से, दारियाल पुलिस ने कौन कौन से इलाकों में कार्रवाई की और मुलजिमान के बारे में क्या तफसील सामने आ सकी? कोशिश करेंगे दारियाल सैयद से राबता बहाल करने की। आपको बताएं कराची जहां पुलिस ने दहशतगर्द और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सानेह 12 मई में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मुलजिमान को तफ्तीश की गरज से नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सानेह 12 मई में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल बताइए, पुलिस ने कौन कौन से इलाकों में कार्रवाई की और मुलजिमान के बारे में क्या तफसील सामने आई? देखिए बिल्कुल रमशा, कराची में मलीर जिला की पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की हैं। 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें नासिर, आहद और सलमान है। इन तीनों मुलजिमान को कराची के इलाके मलीर, गुलस्तानी जौहर और गुलशन इकबाल में छापामार कार्रवाइयां करके गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार मुलजिमान ने इस बात की तफ्तीश में इस बात के जो है वो तस्दीक किया कि वो 12 मई में मुलव्वस थे और उन्होंने जलाओ घिराव किया था। जबकि इसके अलावा इन मुलजिमान की गिरफ्तारी जो है वो पहले से गिरफ्तार जो एमकेएम के रहनुमा है वसीम अख्तर की निशानदेही पर इन तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है और 3 मुलजिमान है जिन्होंने 12 मई में मुलव्वस होने का एतराफ भी कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद।